ऐसे तो बारिश में रिव्यू दे रहा हूँ 1947 फिल्म बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों बाहर बारिश हो रही है इसलिए ज़रा रोशनी की दिक्कत है, तो बहुत अच्छा माहौल है बाहर। तो 1947 पार्टीशन फिल्म एक ऐसे व्यक्ति ने बनाई जिसने वो उस समय का हिस्सा था, तो फिल्म वाकई में बहुत अच्छी बनी है, एक बायोग्राफिक फिल्म है। तो आप पूरी फैमिली के साथ जाके इसको देखिए, क्योंकि हमारा जो इतिहास है वो आपके हमें या अपने बच्चों को समझ लेना चाहिए कैसा मतलब हुआ था वो। जब अंग्रेज भारत छोड़ने की मतलब स्थिति में आए थे, तो जाते जाते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन का नाम मतलब इंग्लैंड का नाम खराब ना हो इसलिए कुछ अच्छे बदलाव लाके वो जाना चाहते थे, इसलिए वो पूरे हिंदुस्तान को एक मतलब उसका बंटवारा ना हो ऐसा वो चाहते थे। लेकिन ये जो नेहरू और जो जिन्ना है इनके वजह से भारत का बंटवारा हुआ ऐसा मतलब इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। तो आज तक तो बहुत से मतलब सोर्स से ऐसा पता चला है कि गांधी जी की वजह से बंटवारा हुआ वगैरह, तो ऐसा इस फिल्म में तो आपको जाके जरूर देखिए इसको। 30 करोड़ भारतीय और हिंदुस्तानी तब 3 करोड़ मुस्लिम थे, तो उनके लिए वो जिन्ना जो है वो उनका अलग देश होना चाहिए ऐसी मांग रखते हैं। जो वाइस राय रहते हैं मतलब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी होती है आज़ादी देने की, तो कितने दंगे। फिल्म में एक लव स्टोरी भी घुसड़ती है हुमा कुरैशी और एक जीत कुमार करके, हुमा कुरैशी एक आलिया के रोल में आपको दिखाई देगी और एक मुस्लिम कम्युनिटी से होती है। तो जब पार्टीशन का वक्त आता है तब भारत और पाकिस्तान में जिनको जाना चाहिए वो ऐसे मतलब खुद तय करना पड़ता है, तो वो पाकिस्तान चले जाते हैं अपने आप के लिए, उनकी आंखों की रोशनी नहीं रहती है। तो बहुत ही रोचक तरीके से एक कहानी है, मतलब आपको लगे यार इंटरव्यू भी होना नहीं चाहिए ऐसा मेरे को तो पर्सनली लगा था, क्योंकि मैं तो पूरा भेज चुका था। तो जरूर देखिए आप, एक हिस्टोरिकल फिल्म बहुत अच्छी लगेगी आपको। सभी कैरेक्टर के जो आवाज़ है बहुत ही अच्छे गानों को सुनने के लिए अच्छी लगी, क्योंकि बहुत ही बारदस्त आवाज़ है भैया। तो जाइए आनंद लीजिए और जाते जाते मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मैंने बोलना चाहिए था सॉरी। बाकी बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे पड़े हो जाके देखिए, धन्यवाद।